और हमारी शेफ तैयार है। क्या करने वाली हो? शाहरुख घर बैठा रहता है। शाहरुख काम पर क्यों नहीं जाता? इसको क्या सालन कैसा था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मंडे है और मंडे को मेरी ऑफ होती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑफ है लेकिन शाहरुख ने मुझसे काम करवाना नहीं छोड़ा। शाहरुख ने बोला कि आज मुझे मैं उसके लिए बनाऊँ आज चिकन, तो मैं उसके लिए चिकन बना रही हूँ। क्योंकि इसने बोला है तो इसको ना इससे काम करवाऊँगी। सिर्फ इसने ये करना है और कुछ भी नहीं, बाकी तो सारे काम मैं खुद ही कर लूँगी। सही से शाहरुख। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, बनाऊँगी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। प्याज ले लिए, टमाटर लिए हैं और चिकन वॉश करके रख दिया है और हमारी शेफ तैयार है। क्या करने वाली हो? मैं डालूंगी अभी घी जो मैं डाल चुकी हूँ, और इतना मुझे पता नहीं है कितना डालते हैं, बस डाल रही हूँ इतना ही नाप होगा। मैं डालूंगी प्याज, हाथ जल गया सारा मेरा, ये देखो। मैं चिकन डालने लगी हूँ, चिकन और अदरक और वो क्या था लहसुन, तो इन दोनों को मैंने डाल दिया है। मैं इसको उसमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो भी होता है वो ख़त्म हो जाए। मुझे ना कभी कोई चीज़ समझाना नहीं आती। हाँ शाहरुख तुम अच्छा लग रहा है? मैं तो कच्चा खाने को दिल कर रहा है। अरे गंदे अच्छा तो अब इसमें टमाटर डालूंगी एक चम्मच, मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच नमक, तुम चुप रहना, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छा कुछ बोलो तो। भाभी ने बोला इसको अच्छे से फेंट दो। चम्मच तो मैं ढूंढ के लाई हूँ छोटा सा। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, बिल्कुल ये लिक्विड टाइप बन गई है। पहले ये बिल्कुल अलग अलग क्रीम टाइप, अलग अलग टाइप हो गया, अभी क्रीम टाइप बन गई है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें शान का कढ़ाई मसाला और हाथ साफ करूंगी शाहरुख की बैंड से। अब इसको मैं बंद करके हल्की आंच पर रख के जा रही हूँ। 5 मिनट के बाद हमारी डिश तैयार होगी। रोटियां लेकर आ गए और हमारा सालन तैयार हो चुका है। बस अब मैंने इसको धनिया की टॉपिंग करनी है और ये हो गया तैयार। तो भाभी ने सालन डाल के दे रही है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी नहीं हुई है, दोनों चीज़ें मुझसे साथ में नहीं होती, तो शाहरुख के पास लेके चलते हैं। ये लो, तुमने यही खाना था ना? तो मुझे एक पैसा दिया। किसने दिया एक पैसा? दादा तुम्हें पैसे नहीं दिए? क्या करूं? रोटियां। तुमने दादा को पैसे क्यों नहीं दिए? मैं बाहर था ना, मैं बाहर था इसलिए। क्या मिल गए? ओ भाई दस्तरखान लगा रहे हैं, इस पे बैठ के सब खाएंगे। दिखाओ मैं दूंगी, ये लो दादा। और जी हट जाओ, लगाने दो मुझे, ये बैठने की जगह नहीं है, खाना खाएंगे यहाँ पे। उठ जाओ। क्या खींचू? तुम उठोगे तब खींचोगे, हटो यहाँ से। चलो अब उतरो। चलो अब हम लोग खाना खा के फिर आपसे बात करते हैं। बताओ कैसा बना था सारन? बहुत अच्छा। कोई एडवाइस? मैं अपना होटल खोल लूं। थैंक यू।
बताओ वो सालन कैसा बना था? अच्छा अच्छा था। दादा कैसा था सालन? सालन कैसा था? अच्छा बताए सालन कैसा बना था, बताए। अच्छा बना था। अच्छा तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगी। क्या हुआ दादा? तुमने तो कहा था मेरा सालन अच्छा नहीं बना। अच्छा बना। झूठी। ओजी मैं घर जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा तो अभी हम लोग जा रहे हैं। दादा कहती है हमें भी, मुझे भी साथ जाना है। क्या चाहिए? अच्छा तो उसने जिद कर ली कि उसको चीज़ लेनी ही है अभी। चलो अच्छा चलो बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे, तुम चीज़ लेने जा रही हो? 10 रुपये और चल आराम से दादा, वो काला वाला डॉगी तुम्हें खा लेगा। चलो शाहरुख। तो हम लोग घर आ चुके हैं और आप लोगों ने इतने सवाल किए कि शाहरुख काम क्यों नहीं करता, शाहरुख काम नहीं करता, शाहरुख को क्या है, शाहरुख घर बैठा रहता है, शाहरुख काम पर क्यों नहीं जाता, उसको क्या हो गया, ये सब चीज़ें। तो शाहरुख काम करता है। शाहरुख सुबह 6 बजे जाता है बाइक यहाँ पे, फिर आता है वो 10 बजे तक, फिर वो मुझे छोड़ने 2 घंटे वो रेस्ट करता है, जब मुझे छोड़ने जाता है वहीं से ही अपना बाइक का स्टार्ट करता है और फिर घर में आता है 6 बजे। तो ये बहुत मेहनती है और बहुत काम करने वाला बच्चा है। तो आप सब इसको बोल लेते तो मैंने कहा मैं आपको सबको क्लियर कर दूँ कि ये काम करता है और बहुत काम करता है। कितना काम करते हो बताओ? तो राहिली दरीसी का बहुत ज़्यादा उन्होंने कमेंट किए थे कि, और मुझे याद है कि मुझे उन्होंने कमेंट पहले भी किया था वालियाँ, देन उन्होंने मुझे भी लिबास का बोला था तो मैं वो नहीं कर पाई सिंग। तो राहिली दरीसी मुझे आपका सॉन्ग अच्छे से याद था तो मैं आपको सुनाती हूँ। आपने मुझे कब से कहा हुआ है, मैं रोज़ भूल जाती हूँ, खैर मैं आज आपको पक्का सुनाती हूँ। दस दे तू हुण की सुनोनी ये सजा, किते मेरे इश्क गुनाह ते, मेरे पिंडों दाजे पच चाहिदे नी, मैं मेला लगवा दू दरगाह ते, मत्था टेक जाई नाल सोरे देख जाई, मत्था टेक जाई नाल सोरे देख जाई, नाले छकले पकोड़े जेरे बड़े पंग तो बस। और मुझे पता है मैंने गाना बहुत बेसुरा गाया, पता नहीं क्यों, मैं आज सुबह से वैसे मुझे बुखार रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। 2-3 दिन सही होता है फिर आ जाता है, और 2-3 दिन से मैं बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ अजीब लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। हो जाऊंगी ठीक बहुत जल्द। खैर तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।